हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह। आज की इस वन शॉट वीडियो में गुडविल चैप्टर को अच्छे से समझने वाले हैं। चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म वॉल्यूम 1। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा कवर करने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स गुडविल से रिलेटेड। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि पहले स्टार्ट होने से पहले कि थ्योरी पे फोकस इस वीडियो में ज़्यादा नहीं होगा। थ्योरी हम ज़्यादा नहीं समझेंगे, हम मेन थ्योरी खाली समझेंगे कि गुडविल क्या होती है सब चीज़ें, लेकिन मेन प्रैक्टिकल फोकस रहेगा कि ताकि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ जो बोर्ड में आपके इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए दिस इज वेरी वेरी बेस्ट वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गुडविल क्या होता है। दैट इज द सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक गुडविल होता है। गुडविल का जो वर्ड निकला है वो गुड नेम से निकला है, यानी कि जब आपका अच्छा नाम मार्केट में हो जाता है। कोई अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है बहुत सालों से, काफ़ी अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ, कस्टमर मेरे में बार बार आ रहा है, तो गुडविल एक बेसिकली आप कह सकते हो एक ऐसी फोर्स है जो कस्टमर को खींचती है मेरी तरफ। यानी कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप कस्टमर मेरे पास आएगा, अपने आप खरीदेगा प्रोडक्ट, तो मेरी सेल अपने आप बढ़ेगी, मैं प्रॉफिट ज़्यादा कमाऊँगा और लोगों से ज़्यादा, क्योंकि उन लोगों को सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, बट मुझे कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास लोग आ रहे हैं मेरी नाम, क्योंकि मेरी रेपुटेशन है। तो गुडविल इज़ जस्ट अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, दैट्स इट। गुडविल बेसिक मीनिंग अगर समझे गुडविल का क्या है, वो क्या है, एक रेपुटेशन है। मतलब कि जब बिज़नेस का नाम हो जाता है बहुत ज़्यादा, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बेच बेच के अच्छी मार्केट में नाम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप उससे खरीदेंगे, एग्जिस्टिंग कस्टमर उसके पास अपने आप बार बार आएंगे, न्यू कस्टमर अट्रैक्ट हो गए, तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे उन लोगों से। तो गुडविल से क्या होता है, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो, ये है मेन चीज़ पहले समझने वाली, ठीक है। लेकिन इस गुडविल को बहुत सारे खरीद भी सकते हैं। अब गुडविल की एक डेफिनेशन भी चलो लिख लेते हैं क्या होती है, ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे। तो देखो गुडविल का पहले इसमें जो मतलब है, थोड़ा टेक्निकल मतलब से समझते हैं, क्योंकि और कोई हमारे पास डेफिनेशन मीनिंग है नहीं, आपको बुक से ही पढ़ाओगे, क्योंकि मेन तो आपको एक्चुअल में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना आप। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल यानी कि जिसे छू नहीं सकते, टेंजिबल जिसे छू सकते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। इंटेंजिबल क्या हो गया, छू नहीं सकते, लेकिन इसकी कोई वैल्यू होती है। अगर इंटेंजिबल एसेट है तो उसको बेच भी सकता हूँ, ध्यान रखना बात, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते थे, गुडविल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज, उसको एक फ़ायदा मिल जाता है एंटरप्राइज को गुडविल की वजह से, जिसमें एंटरप्राइज ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाता है देन नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें एक ही इंडस्ट्री में लोग जो अगर कोई प्रॉफिट कमा रहे होंगे उस समय ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता होगा, मेरे को गुडविल है हमारे मार्केट में, ये है इसका मतलब। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडस्ट्री में सारे लोग कमा रहे हैं, कोई कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 20 लाख कमा रहा है, कोई 30 लाख कमा रहा है, ठीक है, कोई 40 लाख कमा रहा है, ये नॉर्मल था, लेकिन आपने एकदम से कमा लिए 1 करोड़, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई अदृश्य फोर्स है जिसकी वजह से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हो, दैट इज़ गुडविल है। फीचर समझ सकते हैं, ये एक इंटेंजिबल एसेट है, जैसे मैंने बताया कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, मतलब कि अगर मैं गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट है। मैं मार्केट में देख सकता हूँ कि मेरी मार्केट कैसे देख सकता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट से वैल्यू कैसे देख सकता हूँ गुडविल की, कि अगर मैं मान लो इन लोगों से नॉर्मल प्रॉफिट, मान लो नॉर्मल का मतलब आसपास के लोग कितने कमा रहे हैं, मान लो वो कमा रहे हैं एवरेज बेसिस पे 50 लाख, 50 लाख कमा रहे हैं, लेकिन मैं महीने में कमा पा रहा हूँ 1 करोड़, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा कमा पा रहा हूँ 50 लाख, वही तो गुडविल है। ऐसे कैलकुलेट होते हैं गुडविल का, कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कमा पा रहा हूँ वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही गुडविल की वैल्यू बन जाती है, क्योंकि गुडविल की वैल्यू कोई ऐसे कोई कैलकुलेट नहीं हो सकती। वो कैसे कैलकुलेट होती है, प्रॉफिट से, कि ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ तो इसका मतलब वही गुडविल है, उसकी वजह से गुडविल की वजह से कमा पा रहा हूँ, वही गुडविल की वैल्यू बन जाती है। इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस अलग से नहीं होती, एंटरप्राइज से अलग नहीं होती, मतलब ये बिजनेस के हिसाब से होती है। बिजनेस अगर बंद तो गुडविल ख़त्म,
बिजनेस को बेच अगर बेचूंगा तो मेरी गुडविल भी किसी और पे चल जाएगी, तो उसका मतलब मैं गुडविल को खरीद भी सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसकी गुडविल है बहुत मार्केट में, तो मैंने उसका बिजनेस खरीद लिया, गुडविल नहीं खरीद सकता अलग से, वही तो कह रहा है अलग से नहीं, गुडविल को आप एंटरप्राइज से अलग नहीं कर सकते। अगर बिजनेस है तो वो गुडविल उसके साथ ही रहेगी, ऐसा नहीं कर सकता मैं बिजनेस वही का मारा है गुडविल मैं ले लूँ उससे, नहीं हो सकता। मुझे उससे अगर गुडविल लेनी है उसकी तो मुझे उसका बिजनेस खरीदना पड़ेगा, चाहे पूरा बिजनेस खरीदूँ चाहे उसके साथ पार्टनरशिप कर लूँ, तभी मेरे पास गुडविल आ सकती है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। देखो जैसे मैंने बताया कि अर्निंग आपको बहुत बेनिफिट देता है हायर प्रॉफिट कमाने के लिए, आप लोगों से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, कस्टमर आपके पास खींचा चला जाएगा जैसे मैंने बताया, बार बार आएगा कस्टमर, ये आती है गुडविल। बहुत सारे एडवांटेज है, लोकेशन एडवांटेज हो सकता है, यानी कि आपकी दुकान ऐसी जगह पे है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने आप आते हैं, आपके बहुत सारे फेवरेबल कॉन्टैक्ट है, बहुत सारे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हमने लोगों से, जिससे वजह से आपकी गुडविल होगी मार्केट में। कई सारे ब्रांड्स हैं आपके पास, प्रोडक्ट है बहुत सारे ब्रांड्स के, तो ऐसे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। आपने पेटेंट करा रखा है, आपके कॉपीराइट है, आपके पास आप बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भेजते हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन यहाँ से गुडविल आती है। गुडविल का मतलब समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चलिए अब मेन बात करते सीधा कि गुडविल। देखो मैं नेचर ऑफ गुडविल की सीधा बात करते हैं, नेचर ऑफ गुडविल यानी कि गुडविल जैसे आपको पता मैंने बताया इंटेंजिबल एसेट होता है, लेकिन आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझना पड़ेगा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाए होते हैं उन्होंने, 26 स्टैंडर्ड है AS 26 इंटेंजिबल एसेट का। उसमें यह लिखा हुआ है कि गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब तक कि आपने कोई उसके रिलेटेड कोई कंसिडरेशन पे ना करी हो। मतलब कि अगर आपने गुडविल खरीदी है किसी से, यानी कि आपने किसी का बिजनेस खरीदा साथ में गुडविल ले ली, तो उससे रिलेटेड अगर आपने कोई पैसा दिया है गुडविल गुडविल के खरीदने के लिए, पैसा दिया चाहे कैश में चाहे कैंड में किसी फॉर्म में, चाहे उसको पैसा दे दिया चाहे उसको किसी पैसे के बदले कुछ और दे दिया, वो मतलब नहीं करता, मैटर है कि आपने कुछ पैसा दिया है कि नहीं दिया। दिया है तो ही गुडविल आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखोगे, वरना नहीं, क्योंकि वरना उसकी वैल्यू नहीं है ना कोई, वरना वो सिर्फ अगर आपके बिजनेस में ऐसे ही गुड, क्योंकि देखो गुडविल दो तरह की होती है, परचेज गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल की बात कर रहे थे यहाँ पर, परचेज गुडविल का मतलब फर्म ने खरीदी है उससे रिलेटेड कुछ पैसा दिया है चाहे कैश में चाहे कैंड में। फॉर एग्जाम्पल ए बी बिजनेस हाउस ने रघुनंदन बिजनेस का 10 लाख का बिजनेस खरीदे, 10 लाख रुपये में बिजनेस खरीदे, और उस बिजनेस में एसेट खरीदे 20 लाख के, लायबिलिटी 12 लाख की। अगर आप ध्यान से देखोगे कि किसी भी बिजनेस की वैल्यू निकाली जाती है, वो कैसे निकाली जाती है, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करके तब वैल्यू निकाली जाती है कि मेरा बिजनेस मैंने कितने का खरीदना है एक्चुअल। आप ध्यान से देखोगे एसेट 20 लाख के थे और 12 लाख की लायबिलिटी थी, तो उसका मतलब उसको सिर्फ 8 लाख रुपये देना बनता था, कि एसेट 20 लाख के लायबिलिटी 12 लाख के पे करनी, तो कुल मिलाकर तो 8 लाख रुपए ही तो मेरे पास आएगा बिजनेस में, क्योंकि 20 लाख में से तो 12 लाख की लायबिलिटी दे दूंगा, तो 8 लाख रुपए ही पे करना चाहिए था मुझे, लेकिन पे कितना कर रहा हूँ 10 लाख रुपए। इसका मतलब 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा पे कर दिया मैंने वो किस लिए कर दिया, उसकी गुडविल के लिए, क्योंकि उसकी मार्केट में गुडविल थी रघुनंदन की, तो वो जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किया वही गुडविल, वो आप अपने इनटेंजिबल एसेट की एसेट में लिख दोगे एसेट साइड पे, वरना गुडविल को आप नहीं लिख सकते। ये कहते हैं AS 26, पैसे दे के खरीदी है तो आप लिखो बुक्स ऑफ अकाउंट में, वरना नहीं, वरना क्या होता है सेल्फ जनरेट गुडविल, यानी कि जो आपने खुद से जनरेट करी हुई गुडविल है उसको आप वैल्यू नहीं कर सकते, वैल्यू निकाल सकते उसकी, लेकिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकते अगर आपने खुद से जनरेट करी है कोई गुडविल, जैसे क्योंकि आपकी बहुत अच्छी एफिशिएंट मैनेजमेंट थी, आपकी अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रहे थे, आप मार्केट में बहुत अच्छा आपकी ब्रांड है, आपकी नाम है, रेपुटेशन है, तो आपका वो गुडविल आपकी है मार्केट में, लेकिन उसकी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं ले सकते, क्योंकि अकाउंट्स का रूल नहीं हो रहा। रूल ये कहता है कि जब तक कि पैसा ना दिया हो खरीदने के लिए तब तक वो एसेट नहीं बनता आपका, और वो गुडविल इनटेंजिबल एसेट के तभी बन पाएगा जब तक कि आप पैसा ना दो उसे। अगर पैसा दिया है तो ही लिखो, वरना ना लिखो तो ये नहीं लिखते हैं। समझ आ रही बात? तो चलिए अब समझते हैं कि गुडविल की वैल्यू आखिरकार निकालते कैसे। यहाँ तो समझ में आ रहा है परचेज गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो और फिर जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा जो आपने परचेज कंसिडरेशन पे करी उसमें से माइनस कर दो इसको, तो गुडविल क्यों नहीं। यहाँ तो समझ में आ रहा है गुडविल कैसे वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ कैसे निकालते हैं अपनी गुडविल मेरी मार्केट में कितनी है, ये तो खरीदी हुई अपनी कैसे है उसकी वैल्यू निकालना सीखते। चलिए निकालना सीखते फिर।
चलिए बात करते हैं अब गुडविल निकाली कैसे जाती है, मेन टॉपिक करते हैं। तीन मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट में भी दो मेथड निकले हुए हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड के दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल वाला एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैसे निकालते हैं वहाँ से गुडविल। देखो गुडविल वहाँ से निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये कहता है आप ऐसा करो, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट लो, निकालो पहले एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट और उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। समझे कि करके ध्यान से समझो, एवरेज प्रॉफिट का पहले मतलब क्या होता है कि मान लो आपका बिजनेस चल रहा है 5 सालों से, और 5 सालों में आप एवरेज प्रॉफिट कितना कमाते हो, वो होता है एवरेज प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, इसको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब कि आपको एवरेज प्रॉफिट जब आप निकाल रहे हो, मान लो आपने 5 साल बिजनेस किए हैं 2021 से लेकर 2026 तक, अब आपको 26 तो आया कि नहीं, आया नहीं अभी तो, मतलब चलो मान लेते हैं आपने 2015 से लेकर 20 तक बिजनेस किया, तो 5 सालों में कितना प्रॉफिट कमाया, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल करो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से, टोटल प्रॉफिट लो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन उस एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट आपको लेना है, एवरेज प्रॉफिट नहीं, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब उसको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलते हैं। उसमें कुछ चीज़ें एडजस्ट कर देनी है जो कि हमारे बिजनेस से नेचर की नहीं होती। जैसे अगर कोई नॉन बिजनेस प्रॉफिट कमाया था उस कई सालों में, कुछ सालों में आपने कोई ऐसा कोई प्रॉफिट कमाया जो आपके बिजनेस नेचर का नहीं है, मेरा काम है फर्नीचर बेचना, कमा रहा हूँ इंटरेस्ट से इनकम, वो नहीं देना, वो महड़ा था, या कोई लॉस हुआ, ऐसा लॉस आग लग गई दुकान पे लॉस हो गया, भाई ये लॉस आपको नहीं लेना, आपको सिर्फ वो प्रॉफिट लेना है जो बिजनेस का हो, दैट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसे कोई एबनॉर्मल गेन हो गया, अचानक से कोई गेन हो गया, अचानक से कोई इनकम आ रही है, इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया मुझे, एबनॉर्मल गेन या लॉस हो गया कोई एबनॉर्मल, ये नहीं लेना, ठीक है। अगर ये माइनस कर रखा लॉस तो ऐड कर दो, गेन प्लस कर रखा तो माइनस कर दो। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, मान लो कोई फर्नीचर खरीदा, दी कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट बढ़ेगा ना कैपिटल एक्सपेंडिचर से, लेकिन उससे क्या हुआ, आपने उसको गलती से प्रॉफिट में जोड़ दिया, रेवेन्यू एक्सपेंस, या माइनस कर दिया उसे, प्रॉफिट जब आपने निकाला उसको खर्चा मान लिया, खर्चा नहीं है वो। ऐसे कोई रेवेन्यू एक्सपेंस कई बार आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, उसको ठीक करना पड़ेगा। कई बार आपने रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ, मान लो किसी को सैलरी दी, वो लिखी नहीं, उसको फिर माइनस करना पड़ेगा इसके अंदर पहले। या कोई एरर कर दी, गलतियाँ कर दी, कुछ गलतियाँ हो सकती है, कोई गलती कर दी, मान लो सैलरी देने दी 5,000 लिख दी 10,000, कुछ भी गलती हो सकती है, ये सारे ठीक करनी पड़ेगी आपको, तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। फिर उसका एवरेज निकालो, उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब कि ईयर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब यह है कि अगर कोई मेरा बिजनेस खरीदेगा कितने साल तक उसको वो बेनिफिट मिलेगा गुडविल का जो मुझे मिल रहा था। मान लो मेरा भैया आपको निकल के आया कि भाई मेरी गुडविल आ रही है 5 लाख की, लेकिन अगर कोई मेरा बिजनेस खरीदेगा तो उसको 5 साल तक तो बेनिफिट होगा, तो फिर वो जो 5 साल की गुडविल खरीदेगा, इसका मतलब मेरी फिर वो जब मैं उसको तो बिजनेस बेचूंगा अपना, तो मेरी जो गुडविल की वैल्यू मैं निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, मैं कहूँगा देखो भैया मेरा आप बिजनेस खरीदो, 5 साल तक आपको बेनिफिट मिलेगा, 5-5 लाख रुपये हर साल आप कमाओगे, तो कुल मिला के 25 लाख रुपये की गुडविल की वैल्यू होगी। इसका मतलब मेरी 25 लाख का मेरा गुडविल की वैल्यू है, यानी कि कोई मेरा बिजनेस खरीदेगा तो 5 साल तक उसे 25 लाख का टोटल बेनिफिट होगा। अब आप कहोगे गुडविल का आपने स्टार्टिंग मतलब बताया था कि कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट याद करो कि कई अगर आपका बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हो। अब आप कहोगे मैं ज़्यादा कैसे कमा पा रहा हूँ, मैं तो एवरेज की बात कर रहा हूँ, कंपेयर क्यों नहीं कर रहा मैं ज़्यादा क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं कंपेयर क्यों नहीं कर रहा किसी से कि मैं किसी से ज़्यादा कमा रहा हूँ। देखो ये मेथड काम आता है इनिशियल स्टेज पे, जब मैंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया उस समय जनरली किसी को प्रॉफिट होता ही नहीं है, तो अगर मेरे को प्रॉफिट 5 सालों में हो रहा है इसका मतलब मेरी गुडविल है मार्केट में, तभी तो हो रहा है। मतलब जनरली स्टार्टिंग में लोग लॉस में जाते हैं,
इनिशियल जब न्यू बिजनेस होता है जीरो प्रॉफिट पे रहते हैं, ज़्यादातर माइनस में जाते हैं कुछ लोग तो। लेकिन अगर मेरा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कोई 5 लाख का आ गया, इसका मतलब मैंने बहुत बढ़िया मेरा बिजनेस है, मेरा बहुत नाम है और लोगों से, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 5 लाख का प्रॉफिट होता ही नहीं है किसी को भी शुरू के 5 साल तो इसका मतलब मेरी गुडविल है। तो वही गुडविल होती है स्टार्टिंग में गुडविल क्या है, नॉर्मल जो मैं कह रहा था ना कि जब आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमाते हो तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ समझो जीरो है, यहाँ पर आप समझो कि जीरो है और आप 5 लाख रुपये कमा रहे हो, तो जीरो से 5 लाख कमा रहे हो तो इसका मतलब 5 लाख की ही गुडविल होगी ना आपकी, ये समझो आप शादी में, ठीक है। तो दैट इज़ गुडविल, समझ आ गई बात। चलो एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, वहाँ समझते हैं अब। चलिए क्वेश्चन करते हैं आपकी, हम TS गवाल से एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो ध्यान से देखो। इलस्ट्रेशन 4 आपके सामने आ रही है, बढ़ो उसको। तो इलस्ट्रेशन 4 में आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, रमेश ने भरत का बिजनेस खरीदा 1 अप्रैल 2023 को और उसमें एग्री करा गया कि फर्म की गुडविल जो होगी वो 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स के हिसाब से होगी। यानी कि फर्म की गुडविल कैसे निकाली जाएगी, 2 साल ईयर्स ऑफ परचेज कि उसको 2 साल तक बेनिफिट मिलेगा, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट पिछले 3 साल से निकालनी है आपको। प्रॉफिट आपके 3 साल के दे रखे है, 2021 का दे रखा है 1 लाख, जिसमें एबनॉर्मल गेन हो रखा है 10 लाख का। मैंने क्या बताया था, कोई एबनॉर्मल गेन या लॉस हटाना है उसको भैया। 2022 में 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें कुछ एबनॉर्मल लॉस हो रखा है, हटाओ उसको। 2023 में 85,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसमें कोई सेल ऑफ फिक्स एसेट का प्रॉफिट है। फिक्स एसेट को सेल करना आपका मेन काम नहीं है, आपका मेन काम होता है कोई गुड्स बेचना, गुड्स वर्ड आएगा तो वो आपका बिजनेस की इनकम है। कोई भी किसी से भी फालतू का प्रॉफिट कमा रहे हो सेल करके, वो बिजनेस में आपकी गुड, वो आपका प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये सब पहले आपको इसका मतलब क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। तो इलस्ट्रेशन देखो आपकी है ये 4 वाली है, इसको कर बहुत बढ़िया ना, ये ईयर लिखो सबसे पहले, जैसे 2021 2022 2023 ठीक है, आपका प्रॉफिट दे रखा है सबसे पहले, प्रॉफिट लिख लेता हूँ पहले मैं कितना कितना दे रखा है। तो देखो प्रॉफिट आपके सामने दे रखा था 1 लाख 1,10,000 85,000। अब उसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी है, तो वो ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर ये प्रॉफिट में से हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जो जो एक्चुअल में आपके सामने दे रखा था, जैसे एबनॉर्मल गेन, इसमें 10,000 रुपये का एक एबनॉर्मल गेन है, वो मुझे हटाना होगा जिससे कहाँ तक पहुँच सकूँ, नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुँच सकूँ। तो इसमें एडजस्टमेंट करनी होगी, तो क्या एडजस्टमेंट करनी होगी, 10,000 रुपये का जो एबनॉर्मल गेन इसमें प्लस हो रखा है वो बिजनेस का नहीं है, तो वो हटाना पड़ेगा। ऐसे ही 2022 के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस माइनस हो रखा हुआ, लॉस माइनस होता है गेन प्लस होता है, लॉस माइनस हो रखा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस दोबारा थोड़ी करना पड़ेगा, 20,000 रुपये का प्लस करना होगा। ऐसे ही आपके सामने एक 5,000 रुपये का सेल करी थी फिक्स एसेट की, वो 5,000 रुपये का जो सेल करी थी वो इसके अंदर जोड़ दी होगी, वो भी माइनस करनी पड़ेगी, जिससे मैं नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुँच सकता हूँ, या फिर उसे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो 1 लाख में 10,000 गए 90,000 हो गया, ठीक है। ऐसे ही फिर 1,10,000 में से 20,000 प्लस करेंगे तो 1,30,000 आ गया, और इसमें 5,000 माइनस करेंगे तो 80,000। अब क्या करते हैं, इनको इसका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है गुडविल के, तो हमें इनको प्लस करना है पहले, तब एवरेज निकलता है। तो टोटल करूँगा पहले मैं, कितना आ गया 1,70,000, और या कितना आ गया 3 लाख आ गया। तो यहाँ निकालो अब एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। जैसे टोटल नॉर्मल प्रॉफिट 3 लाख का आया और तीन साल है, तो इसका मतलब हर साल का एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख का, यानी कि हर साल लगभग मैं 1 लाख कमाता हूँ। अब गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब आप ध्यान से देखोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखा था, वो कह रहा था ना कि गुडविल की वैल्यू निकालें टू ईयर्स परचेज, कि दो साल तक आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप खरीदोगे। तो एक लाख की गुडविल है उसको दो साल तक आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि टोटल गुडविल की वैल्यू कितनी होगी 2 लाख, यानी कि जो भी मेरा बिजनेस खरीदेगा वो 2 लाख की गुडविल खरीदेगा और उसको वो 2 साल तक 1 लाख कमाएगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ थी, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आप करते हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग, ये भी बहुत बड़े क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कुछ बुक में। इसमें लव और कुछ पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल कर रहे हैं, उन्होंने शुभ को एडमिट किया पार्टनरशिप में इक्वल शेयर के लिए। गुडविल की वैल्यू 2 ईयर्स परचेज पे एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालें, लास्ट 4 साल का दे रखा है आपके सामने एवरेज प्रॉफिट में, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट उन्होंने पहले दे रखा है बट उसके अंदर कुछ नीचे कह रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट्स है। देखो ध्यान से, जैसे वो कह रहा है कि फर्म ने कुछ प्रॉफिट कमाया था बिल्डिंग को सेल करके, जो कि एबनॉर्मल गेन, वो 31 मार्च 2020 को कमाया था। तो उसका मतलब जो 31 मार्च 2020 वाले में प्रॉफिट में 10,000 रुपये का एबनॉर्मल गेन है उसको माइनस करना पड़ेगा भाई साहब। नॉर्मल प्रॉफिट ऊपर बड़े लिखा हुआ है बट है नहीं वो नॉर्मल प्रॉफिट, उसको सही निकालना पड़ेगा सही नॉर्मल प्रॉफिट, समझ रहे हो। फिर लॉस हुआ कंप्यूटर का, एक एबनॉर्मल लॉस है आपको पता है, मैंने जैसे बताया लॉस को प्लस कर देते हैं। नीचे एक बड़े एडजस्टमेंट है रिपेयर्स करवाई 50,000 रुपये की, उसको गलती से व्हीकल अकाउंट में डाल दिया, बताओ वही ये रेवेन्यू एक्सपेंस था उसको कैपिटल एक्सपेंस मान लिया, तो व्हीकल मान लिया यानी कि एसेट मान लिया उसे, है रिपेयर 1 जून 2000 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन में लगा दिया भाई साहब, तो क्या करें भाई ऐसे केस में। और डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं प्रॉफिट में से। तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ईयर लिखते हैं कितने कितने दे रखे हैं, देखो एक दे रखे 31 मार्च 2020, फिर 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट आपके सामने, फिर 31 मार्च 2022 का है और 2023 का है, ठीक है। फिर आपके सामने जो प्रॉफिट दे रखा था उसे नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बोलूँगा, कई बार लॉस भी होता है तो यहाँ पर लॉस भी है तो इसलिए ओपनिंग करके लॉस लिख दिया, कई बार प्रॉफिट नहीं होता कई बार लॉस भी तो होता है साल में किसी साल। तो 70,000 का पहले साल हुआ प्रॉफिट, फिर 1 लाख का हुआ, फिर यहाँ 55,000 का लॉस हो गया, लॉस को आप ब्रैकेट में दिखाते हैं, और 1,14,000 का फिर प्रॉफिट हुआ, समझ रहे हो। अब इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी है ताकि मैं नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुँच सकूँ, वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं था। तो यहाँ लिखेंगे एक एडजस्टमेंट्स, क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है इसी के अंदर, प्लस माइनस क्या करना है। तो जैसे वो कह रहा था कि एक बिल्डिंग सेल करी थी 10,000 रुपये की, 31 मार्च 2020 में वो उसका प्रॉफिट में इंक्लूड है उसका 10,000 रुपये, इसमें 10,000 रुपये इंक्लूड है 2020 वाले को, तो 10,000 रुपये उसको एबनॉर्मल गेन है वो माइनस कर देते हैं, ब्रैकेट में दिखना है। ऐसे ही एक एबनॉर्मल लॉस हुआ कंप्यूटर का 20,000 रुपये का, और वो 31 मार्च 2021 का हुआ था, यानी कि इसमें इंक्लूड है, वो लॉस को करते हैं प्लस, तो 20,000 रुपये का प्लस कर देंगे, क्लियर। फिर वो कह रहा है ये है अब बड़े एडजस्टमेंट, एक 50,000 की कार का रिपेयर कर रहा था उसको व्हीकल अकाउंट में डाल दिया, ये बात समझ में आ रही है, 1 जून 2021 को कर रहा था, यानी कि 21 की बात कर रहा है, इस वाले ईयर की बात कर रहा है, इस वाले ईयर की बात कर रहा है, नहीं मेरे भाई 1 जून 2021 का मतलब हो गया ये वाला फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 21 से 22 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है तो वो इसके अंदर आएगा, 21 से 22 वाला, ध्यान रखना बात, 1 जून इसके अंदर आता है क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2022 तक साल है ये, तो 1 जून 2021 इसी के अंदर आएगा। तो वो 1 जून 2021 को व्हीकल अकाउंट में डाल दिया और डेप्रिसिएशन लगा दिया व्हीकल पे 12% स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग, और डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं भाई साहब। देखो ध्यान से, मैंने 1 जून 2021 को मैंने क्या मान लिया, उसे व्हीकल मान लिया, कितने का खरीदा था 50,000 था वो रिपेयर, तो पहले तो 50,000 रुपये का हमने डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया वो समझना है। तो 1 जून 2021 को मैंने क्या मान लिया, व्हीकल। अब यहाँ से मैं डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करूँगा, तो डेप्रिसिएशन लगता है साल के एंड में, तो पहला इसके बाद जो साल एंड होगा वो 31 मार्च 2022 को होगा, 50,000 रुपये का 10% स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग लगना है, तो 50,000 का 10% कितना, स्ट्रेट लाइन का मतलब कोस्ट पे लगना है, 10% पर एनम का मतलब होगा 5,000 रुपये, लेकिन पूरे 12 महीने तो है नहीं,
तो जून से लेकर गिनोगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने आते हैं। तो 50,000 का डेप्रेशन 10% लगेगा, लेकिन 10 महीनों का लगेगा। समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर होगी मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो? सॉरी, ये 12% का डेप्रेशन है, 10% का नहीं रहा, 12%। तो 12 से 12 कैंसिल, ये कैंसिल कितना आ गया? 5,000। तो यानी कि मैंने 5,000 में से 5,000 पे 2022 में माइनस कर दी होगी डेप्रिसिएशन की। ये समझ रहे हो बात को? जबकि डेप्रिसिएशन लगना ही नहीं था, क्योंकि व्हीकल है ही नहीं वो। तो 5,000 पे इसमें से माइनस जो कर दिए थे उसे प्लस करना होगा। फिर मैंने 31 मार्च 2000, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन लगता है, तो अगले साल आएगा 31 मार्च 2023, इसमें भी 50,000 का 12% लगा के होगा इस बार, क्योंकि मैंने यहाँ तो 10 महीने का लगा है ना, लेकिन यहाँ तो पूरे साल का लगेगा, यहाँ तो 12 महीने का लगेगा, यहाँ तो 10 महीने का लगा था। 12 महीने कैसे कैलकुलेट होगा? स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, कॉस्ट वैल्यू पे। कॉस्ट वैल्यू क्या है? 50,000, इसका 12% करना, तो 6,000 पे आता है। तो यानी कि 6,000 पे मैंने इसमें से माइनस कर दिया होगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा। और एक और चीज़, 2021 में ही 50,000 रुपये को पहले गलती समझो क्या है? पहली गलती यह है कि व्हीकल था ही नहीं, वो रिपेयर था। तो पहले तो जो मैंने 50,000 रुपये को व्हीकल मान दिया, उसको पहले ठीक करना है, फिर डेप्रिसिएशन वाली गलती ठीक करेंगे। तो व्हीकल वाली गलती कैसे ठीक करेंगे? वो ऐसे ठीक करेंगे कि आपने 50,000 रुपये माइनस नहीं किए। व्हीकल जब मान लिया तो इसका मतलब आपने एसेट मान लिया, और एसेट तो भैया प्रॉफिट से माइनस होता नहीं है, बट प्रॉफिट में से माइनस करना था। तो इसका मतलब पहली गलती कैसे ठीक करेंगे? पहली गलती ठीक ऐसे करेंगे कि आपने 50,000 पे ये रिपेयर करवाया था, तो रिपेयर करते हैं प्रॉफिट से माइनस, और वो किस साल में था? इस साल वाले में था, ये जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 को था, इस साल में आता, इस साल के खर्चे में ही तो माइनस करना था वो 50,000 पे। तो पहले तो 50,000 पे माइनस करो, क्योंकि रिपेयर आपने करवाया था, वो आपने माइनस ही नहीं किया, क्योंकि आपने व्हीकल मान लिया उसे। दूसरी गलती क्या करें? उसी साल आपने 5,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, जो कि करना ही नहीं था, उसको प्लस करो। तो 50,000 पे माइनस करो, 5,000 पे प्लस करो। फिर इसमें भी आपने क्या गलती करी? 6,000 पे माइनस कर दिया बेफालतू के डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लग रहा ही था, क्योंकि व्हीकल है ही नहीं, वो 6,000 प्लस करो। ये गलतियाँ बस, इसको अगर आपने ठीक कर दिया तो क्वेश्चन खत्म है, वहीं पे आंसर आ चुका है। मतलब कुछ नहीं करना, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल, नॉर्मल प्रॉफिट या उसे लॉस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो। यानी कि आप देखो, 70,000 में 10,000 गए, 8,500 रुपये आ गया, ये 1,20,000, 1,20,000 रुपये हो गए, 55,000, ये माइनस का 45,000 है, 55,000 भी माइनस का है, 45,000 भी माइनस का है, तो ये भी माइनस में आएगा। इसका मतलब फिर माइनस का 1,00,000 रुपये आएगा, ये लॉस है, ब्रैकेट में लिखूंगा, और ये 6,000 प्लस करोगे तो 1,50,000 रुपये आ गया। समझा रही बात यहाँ तक? बहुत अच्छे से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? इनको जब मैं प्लस करूँगा तो 2,30,000 रुपये आ रहा है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। फिर क्या निकालते हैं? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, वो कोई निकालना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको आता है। कैसे निकालूंगा? दो नॉर्मल टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल है? 4 साल, तो 4, 5, 20, 3 इधर गया, 4, 6, 4, 7, 28, तो ये आ गया 57,500। क्लियर? अब गुडविल निकाल लो। गुडविल कैसे? गुडविल की वैल्यू क्या रहता है? 2 ईयर्स परचेज के हिसाब से है, तो 57,500 का 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो 1,15,000 का आंसर इज द राइट आंसर। क्लियर? क्लियर। चलिए नेक्स्ट मेथड समझते हैं। अब नेक्स्ट मेथड क्या है? चलिए अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन 8 के ऊपर। इलस्ट्रेशन 8 की बात कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, यहाँ पर देखो ध्यान से। इसमें लिखा हुआ प्रॉफिट पिछले 5। अच्छा, यहाँ पर पहले तो आप समझ लो मेथड क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, वो है नेक्स्ट मेथड, वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें कुछ नहीं करना, जो आप एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ले रहे थे उसमें बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट ले लेना है, और उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है। वेट्स का मतलब होता है, कई बार क्या होता है, आपने पिछले 5 सालों का तो प्रॉफिट एवरेज निकाल दिया,
लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि वो जो एवरेज आया वो बिल्कुल ठीक आएगा हमेशा, क्योंकि जो रीसेंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसको वेट यानी कि अहमियत ज़्यादा देनी चाहिए, और जो सबसे बहुत पहले का प्रॉफिट होता है उसकी इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। तो हमें वेट्स लगा के एवरेज एक्यूरेट निकलता है। देखो कैसे ये क्वेश्चन समझते हैं, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है आपके सामने, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने 3 साल परचेज का, वेट असाइन किसे करने हैं 1, 2, 3, 4, 5 के अकॉर्डिंग, और रिस्पेक्टिवली लिखा है। इसको बिना भी अगर नहीं भी लिखता ना तो भी मैं कैसे निकालता वेट, देखो कैसे। सबसे पहले आप यहाँ लिखो ईयर, ईयर एंडेड क्या क्या है, तो सबसे पहले 31 मार्च 2019, फिर 31 मार्च 2020, फिर 2021, 22, 23, फिर आपके सामने प्रॉफिट दे रखा है 40,000 और 48,000 दे रखा है, ये प्रॉफिट 60,000 दे रखा है, 50,000 दे रखा है, 36,000 दे रखा है, ठीक है। पहले क्या करते थे, सिंपल इसका एवरेज निकालो, अगर एडजस्टमेंट होता है एडजस्टमेंट कर लो, वरना सीधा निकाल लो। लेकिन अब क्या करना है, अब आपको पहले वेट्स डिटरमाइन करना है। कैसे वेट्स होते हैं, जो सबसे रीसेंट ईयर होता है उसको सबसे ज़्यादा वेट दो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ईयर, तो 5 वेट पहले इसको दो, क्योंकि इसके आने की जल्दी ज़्यादा ज़्यादा है। इसको थोड़े इससे 1 साल कम है, 1 साल पहले वाला, तो इसको 1 कम वेट दे दो, 4 हो गया, इसको 3, इसको 2, इसको 1, ऐसे देते हैं सिंपल। जो रीसेंट ईयर है उसको ज़्यादा वेट दो, जो आखिरी ईयर है सबसे पहले सबसे लास्ट वाला उसको कम वेट दो, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप प्रोडक्ट करो, वेटेड प्रॉफिट निकालो, आप वेटेड प्रॉफिट है ना, वो निकालो। वो कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट करो, जैसे इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए इंटू बी करना है बेसिकली आपको, 40,000 × 1, 40,000, मतलब प्रॉफिट को बदल लो, 14 × 3, 96,000, 63, 1,80,000, 2,00,000, 1,80,000, समझ गए। इससे क्या होगा कि प्रॉफिट एक्यूरेट निकलेगा। इनका टोटल देखते हैं कितना आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। या अब आपको करना है, अब आपको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड नहीं करना इसको, क्योंकि आपने वेट से मल्टीप्लाई करना, तो वेट का टोटल करना है, जैसे वेटेड 15, तो क्या निकालना है, अब निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, समझ रहे हो। वेटेड कैसे निकलेगा, वेटेड प्रॉफिट को लो डिवाइड कर दो किससे, टोटल वेट से, तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे इसका आंसर आ रहा है 46,500, तो बस अब गुडविल की वैल्यू कैसे निकालनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जैसे नंबर ऑफ ईयर परचेज में कितना 3, तो समझ गए कैसे करना है, ये समझ में आ गया मेथड, बस ये मेथड और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, उसको समझते चलिए, तो चलिए उसको बात करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकलता है और क्या होता है ये, गुडविल कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट को इस बार मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, अब सुपर प्रॉफिट, और यही असली गुडविल का मतलब होता है। यानी कि पहले स्टार्टिंग में तो भाई गुडविल का मतलब था कि अगर आपका स्टार्ट हुआ है बिजनेस, अभी भी 4-5 साल हुए हैं, 10 साल हुए हैं, तो अभी हम मानते हैं स्टार्ट हुआ है, 5 साल हुए तो सिर्फ, लेकिन उसके बाद अब आप प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करो, अब आप देखोगे कि मार्केट में अब लोग प्रॉफिट कमाने लग गए हैं, अब उनसे मेरा ज़्यादा प्रॉफिट है ये नहीं, अब वो अगर ज़्यादा प्रॉफिट है उन लोगों से, वही सुपर प्रॉफिट होता है। पहले तो हम ये मान के चल रहे थे कि सबका 0 प्रॉफिट है, तो हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वही एवरेज प्रॉफिट ही गुडविल है, लेकिन इस बार सुपर प्रॉफिट होगा। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो आपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला उसको पहले माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट से, यानी कि जो मार्केट में लोग कमा रहे हैं, वो कैसे निकलेगा। आप ये देखो कि मैंने अगर जितनी कैपिटल लगाई है उस पे जो मार्केट में इंडस्ट्री में जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से मुझे कितना पैसा आना था, कितना नॉर्मल प्रॉफिट आना था, तो कैपिटल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करता हूँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100 से, ठीक है, तो निकल जाएगा कि भाई आपकी कैपिटल, फॉर एग्जांपल आपने कैपिटल 1,00,000 की लगाई है, तो मार्केट में 15% का रेट चल रहा है कि जो भी पैसा लगाता है 1 साल में 15% कमाएगा, यानी कि 1,50,000 रुपये,
बट आपने अगर आपने कमाए हैं 2.5 लाख रुपए साल के, इसका मतलब पक्की बात है कि आपकी गुडविल है, आपकी मार्केट में गुडविल है, तभी आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो। यही सुपर प्रॉफिट होता है कि जब आप जितना कमा रहे हो उसे माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट से। लेकिन सवाल ये उठता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, उसके कैसे तरीका है, सिंपल है, आपको सिंपल फॉर्मूला पता है अकाउंटिंग क्वेश्चन का भी होता है, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दो। तो जितने भी एसेट्स हैं उसमें सारी बाहर की लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दो। बट ये बात याद रखना कि एसेट में क्या क्या नहीं लेना है, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेने क्योंकि ये बिकते हैं, ये फेक एसेट होते हैं। गुडविल तो निकालनी है ना, गुडविल को नहीं लेना, ये खरीदी हुई गुडविल होती है, गुडविल को नहीं लेना। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी नहीं लेना, क्यों, क्योंकि ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है, जो बिजनेस का नहीं है वो नहीं लेना, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, नॉन ट्रेड है ये, ठीक है। अगर ये तरीका काम नहीं आ रहा कैपिटल में तो एक दूसरा तरीका लगेगा कि आपके सामने कैपिटल गिवन होगी, उसमें अगर कोई रिजर्व बना रखा है उसको प्लस कर दो, क्योंकि रिजर्व बनता है प्रॉफिट से और प्रॉफिट जाता है कैपिटल में, तो इसलिए कैपिटल में रिजर्व को प्लस कर दो तो निकल जाएगा कितनी कैपिटल, क्योंकि रिजर्व कैपिटल में जाता है। लेकिन फिर वही चीज़ फिक्टी से ऐसे माइनस कर दो क्योंकि कैपिटल में इंक्लूड होगा, गुडविल अगर इंक्लूड है माइनस कर दो, नॉन ट्रेड से माइनस कर दो, ऐसा निकलता है सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं अब। तो देखो ये सेशन 9 करने वाले हैं, यहाँ पर आपके सामने आ रही है, जो इसमें लिखा हुआ है फर्म ने प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट कमाया ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, प्रॉफिट दे रखा है 18,000, 20,000, 22,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट 60,000 की करी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, हमें वैल्यू निकालनी है गुडविल के 3 साल परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। तो देखो आपके सामने सबसे पहले गिवन क्या है, पहले उसको देखते हैं, ईयर 1st, 2nd, 3rd, उसमें प्रॉफिट्स आपको गिवन है, ठीक है। कौन कौन से प्रॉफिट है भैया, 18,000 का प्रॉफिट हुआ आपको, 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और साथ में 22,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्लियर है। सबसे पहले तो आप ये निकालो कि एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, पहले तो ये निकालो भाई। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करूँगा कि टोटल करूँगा पहले, तो टोटल देखो उसका कितना आ रहा है, ये हो जाएगा ठीक है 60,000 है ना, 60,000 आपका आ रहा है टोटल। तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, उसमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या था, जो हम एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे थे, यानी कि सारे एडजस्टमेंट्स को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होता है, तो 60,000 का टोटल आ रहा है, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स, 3 साल है तो 20,000 रुपये का इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट है। लेकिन हम निकालते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हम कमाना चाहिए था हमें, तो उसके लिए देखो क्या रखा है, कैपिटल 60,000 की लगाई है और नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल यही है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो 10% है। तो 60,000 की तो कैपिटल लगाई है, उस पर 10% कमाना था, यानी कि 6,000 रुपये आपने कमाने थे, कमाए कितने हैं एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से 20,000, इसका मतलब सुपर प्रॉफिट कितना है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअली हो गया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 20,000 ये है, 6,000 नॉर्मल प्रॉफिट है, तो 14,000 ये आपका सुपर प्रॉफिट है, समझ रहे। तो गुडविल की वैल्यू आप कैसे निकलेगी, तो गुडविल की वैल्यू निकलेगी, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट आया 14,000, 3 साल लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो 72,000 की गुडविल आपकी आ रही है, सॉरी 42,000, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट से गुडविल, ठीक है। तो चलिए कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जैसे कि आप देख सकते हो ये 11 आपके सामने जो आएंगे, इसमें लिखा हुआ है कि एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम डिपोट फ्यूचर में 54,000 कमाने वाला है। ये आपका एवरेज प्रॉफिट ही है, जो आप निकालना था वो बता दिया उसने कि 54,000 एक्सपेक्टेड है कि हर साल कमाएगा अकॉर्डिंग टू द एवरेज प्रॉफिट। तो ये तो हमको क्वेश्चन पहले दे दिया, तो जो हम कर रहे हैं ना इलस्ट्रेशन 11 कर रहे हैं, तो आपके सामने जो एवरेज प्रॉफिट वो पहले ही दे दिया है, कितना है 54,000 पे आप कमाओगे। फिर कह रहा है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 3 लाख। देखो ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय। कई बार क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं होता, तो
हमें ओपनिंग भी गिवन होगा, क्लोजिंग भी गिवन होगा। अगर दो कैपिटल गिवन होते हैं ना, तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ फॉर्मूला, अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैसे निकालेंगे इसको। अगर मान लो क्वेश्चन में ये डायरेक्ट गिवन ना होता तो कैसे निकालता, ओपनिंग कैपिटल लेता प्लस क्लोजिंग कैपिटल साल के एंड वाली और डिवाइड टू से कर देता तो आ जाता। ठीक है, वो दे रखा 3 लाख नॉर्मल प्रॉफिट। कह रहा है कि भैया अगर कोई बिजनेस इन्वेस्ट करेगा सिमिलर टाइप के 10% कमाओगे आप, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल प्रॉफिट आपको कितना कमाना था। 3 लाख रुपये कैपिटल है, 10% आपका नॉर्मल प्रॉफिट कमाना था। सो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% यानी कि 30,000 कमाने थे। बट कमा कितना रहे हो, कमाओगे कितना, 54,000 में। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सुपर प्रॉफिट है, क्योंकि आपको 30,000 रुपये कमाना था साल का, लेकिन आप कमा रहे हो 54,000 में। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। लेकिन अभी आप रुक जाओ, अपने हाथ रोक लो, क्योंकि एक नीचे एक लाइन लिखेंगे, रेमोनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 9,000 पर एनम एंड इज टू बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। इज टू बी मतलब कि उसे खर्चा मानना था रेमोनरेशन, क्योंकि पार्टनर को रेमोनरेशन दी है, पार्टनर को दी और खर्चा मानना था। वैसे पार्टनर को रेमोनरेशन देना खर्चा नहीं होता, ये अप्रोप्रिएशन होता है। यहाँ फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आया, अप्रोप्रिएशन अलग होता है, पार्टनर को सैलरी देना ये तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। लेकिन वो कह रहा है खर्चा मानना था उसे, मानना था खर्चा, माना नहीं है, यानी कि वो कह रहा है कि खर्चा मानना था उसे लेकिन माना नहीं है। यानी कि इस प्रॉफिट में, वो 54,000 रुपये का जो प्रॉफिट है उसमें पार्टनर की सैलरी माइनस नहीं करी एज अ खर्चा, क्योंकि खर्चा होता है प्रॉफिट से माइनस होता है वो, मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए पहले खर्चे को माइनस करते हैं, वो माइनस नहीं करा 9,000। तो अब करेंगे ना, अब करेंगे, क्योंकि 9,000 रुपये का प्रॉफिट माइनस नहीं करा। तो ये तो एवरेज प्रॉफिट है, हमें चाहिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये तो एवरेज प्रॉफिट है, हमें चाहिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकालूंगा, एवरेज प्रॉफिट में जो रेमोनरेशन माइनस करनी थी खर्चे समेत वो नहीं करी, वो करेंगे रेमोनरेशन। अब क्योंकि वो, क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट है तो सीधा रेमोनरेशन माइनस करने, क्योंकि वो कह रहा है कि करी नहीं रेमोनरेशन, वो करेंगे ना रेमोनरेशन टू पार्टनर्स। ठीक है ना, 9,000 रुपये पर एनम देना आपके माइनस करनी थी। तो 54,000 रुपये का तो एवरेज प्रॉफिट है, बट 9,000 रुपये आपने खर्चा माइनस करना था क्योंकि उसको करा नहीं है, आप करेंगे तो आपके सामने कितना आ गया, तो ये कितना आ गया 45,000। ठीक है, अब आप निकालोगे सुपर प्रॉफिट। तो ये बहुत ध्यान से बना, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 45,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, तो इसका मतलब 15,000 रुपये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। तो गुडविल की वजह कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो 15,000 रुपये तो गुडविल है और 2 ईयर्स परचेज कह रखा है क्वेश्चन में, तो 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल की वैल्यू 30,000 आ गई। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आपको बहुत बड़े तरीके से समझ में आएगा। ये जो भी जो मैं इलस्ट्रेशन करवा रहा हूँ ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया, सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सब बहुत ज़बरदस्त है, जिससे इसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं गुडविल के पेपर में। तो देखो इलस्ट्रेशन 12 में, इस 12 से हम सारा समझ लेंगे 13 वाला भी। क्या कह रहा है 12 में, एवरेज प्रॉफिट 75,000 रुपये विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये समझना पड़ेगा, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, और स्टॉक भी दो तरीके का होता है। आपको याद करो ट्रेडिंग अकाउंट, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट 11th क्लास में पढ़ाते थे आपको याद है, यहाँ पर आप लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक है उसको खर्चा मानते थे, डेबिट साइड पे लिखते थे, और क्लोजिंग स्टॉक को आप कहाँ लिखते थे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वो अगले साल का स्टॉक है तो उसे खर्चा नहीं मानते थे, उसे क्रेडिट साइड पे लिख देते थे आप, पता चल रहा है। तो यानी कि एक तरह का इनकम, एक तरह का मान लिया मैंने उसे, क्लोजिंग स्टॉक को ग्रेड साइड पर लिख के। तो ये सीन है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा कौन सा स्टॉक है
चाहे वो अंडर वैल्यूएशन का है ओवर। अंडर वैल्यूएशन का मतलब होता है वैल्यू को कम करना, ओवर वैल्यूएशन का मतलब ज़्यादा करना। स्टॉक कौन सा क्या रखा है ये नहीं पता अगर, तो हमेशा हमें क्लोजिंग स्टॉक की मानना है, पहले तो ये बात समझ ली। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अब स्टॉक कौन सा भाई, तो कौन सा मानना स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मानूंगा। अगर कुछ कह नहीं रखा क्वेश्चन में स्टॉक कौन सा कह रखा हो तो बात करते। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अंडर वैल्यूएशन अगर है यानी कि स्टॉक की वैल्यू आपने कम नाप दी, स्टॉक था कुछ और, मानो स्टॉक था 10,000 रुपये का, आपने कम करके 9,000 रुपये लिख दिया, इसे बोलते हैं अंडर वैल्यूएशन, कम कर दी वैल्यू, कम करके लिख दिया। अब आपको समझना है कि इससे प्रॉफिट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यही तो समझना है कि एवरेज प्रॉफिट आपने कमाया 75,000 का, तो क्या ये 75,000 का प्रॉफिट, अब हमें ठीक करना है प्रॉफिट को 75,000 को, ये गलती कर दी आपने, अंडर वैल्यूएशन कर दिया, तो 75,000 के प्रॉफिट में अंडर वैल्यूएशन की गलती ठीक कैसे करें। पहले समझो कि प्रॉफिट अब बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा। आपने लिखना था 10,000 रुपये, आपने कितना लिख दिया 9,000 रुपये, तो जो प्रॉफिट आना था मान लेते 10,000 रुपये, ओपनिंग स्टॉक 0 है मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो 10,000 से प्रॉफिट कितना आना था 10,000 रुपये, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली, प्रॉफिट आना था 10,000 रुपये, ठीक है, लेकिन अब आएगा कितना 9,000 रुपये, तो इसका मतलब प्रॉफिट कम नहीं आएगा। जो क्रेडिट साइड वाली अगर आइटम आपने कम लिख दी तो वो सीधा प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डालेगी, अगर आपने वैल्यू कम लिख दी तो प्रॉफिट भी कम आ जाएगा, यानी कि 1,000 से प्रॉफिट कम आ जाएगा, तो अगर कम आ जाएगा तो ज़्यादा कर देंगे, ठीक हो गया फिर प्रॉफिट। अगर ये जैसे आपने लिखा हुआ अंडर वैल्यूएशन 5,000 से हुआ था, यानी कि आपने 5,000 से स्टॉक की वैल्यू कम कर दी, तो प्रॉफिट भी 5,000 से कम आया होगा, तो प्रॉफिट को 5,000 से ज़्यादा कर दो, ठीक हो गया प्रॉफिट। बस ये करने वाले इसी को समझना था आपने। और अगर ओवर वैल्यूएशन होता तो क्या करता सर, माइनस कर देते। ओवर वैल्यूएशन का मतलब हमारा 10 की जगह 15,000 पे लिख दिया आपने, तो 15,000 पे लिख दिया तो प्रॉफिट में तो 5,000 से बढ़ गया होगा, तो अगर ज़्यादा कर दिया प्रॉफिट आपने तो कम कर दो, कम वैल्यू कर दी स्टॉक की तो ज़्यादा कर दो, सीधा प्रॉफिट में इम्पैक्ट होता है। अगर अंडर वैल्यूएशन से प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक से सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन है तो स्टॉक अब तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, वो ओवर वैल्यूएशन है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओपनिंग स्टॉक में उल्टा हो जाता है बस, ओपनिंग स्टॉक में क्या होता है, अगर ओपनिंग स्टॉक आपने अंडर वैल्यूएशन कर दिया क्योंकि वो खर्चा है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, और अगर ओपनिंग स्टॉक आपने ओवर वैल्यूएशन कर दिया तो प्रॉफिट कम हो जाता है बिकॉज वो खर्चा है। तो इसके साथ तो सीधा डायरेक्ट रिलेशन है प्रॉफिट का, ये अंडर वैल्यूएशन होगा तो स्टॉक भी कम, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा वैल्यू तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, बट ओपनिंग स्टॉक के साथ उल्टा है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, वही है। तो क्या कह रहा है देखो कि 75,000 का प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, हमें तो वो निकालना है ना, वो कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट में अब माइनस मतलब माइनस कर दो या प्लस कर दो, मैंने क्या बताया अभी अंडर वैल्यूएशन है यानी कि स्टॉक की वैल्यू कम लिख दी क्लोजिंग स्टॉक की, तो प्रॉफिट भी कम लिख दिया होगा, तो ज़्यादा कर दो प्लस कर दो अंडर वैल्यूएशन स्टॉक, ठीक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो 75,000 में 5,000 प्लस करो तो कितना हो गया 80,000, ठीक है 80,000। तो ये है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। फिर देखो नॉर्मल प्रॉफिट कहता है 7,00,000 की कैपिटल है, 7% कमाओगे तो ऑब्वियसली बात है 49,000 आ जाएगा 7% के हिसाब से। गुडविल की वैल्यू फिर कैसे निकालोगे, पहले नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके, ये तो आपको आता है, मेन चीज़ आपको समझानी थी ये वाली। अब हम करते हैं लास्ट मेथड, वो है कैपिटलाइजेशन वाले, चलिए अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड बेसिकली ये भी दो तरीके का होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट, ये नाम दो तरीके का है एक ही, अभी आप देखना दोनों से एक ही मतलब निकलने वाला है, बस तरीके अलग अलग हो गया, वो एवरेज प्रॉफिट मेथड बन गया वो सुपर प्रॉफिट, आंसर सेम ही आएगा, अभी आप देखना कैसे। पहले होता क्या, कैसे निकलेगा उसमें गुडविल, गुडविल निकलती है इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स, क्या मतलब है इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब है जो भी आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, क्योंकि पहले एवरेज प्रॉफिट बात करें ना,
उसको आप मल्टीप्लाई 100 से कर दो, इस बार डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, इस बार डिवाइड कर दो, यानी कि जो आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे ना, जैसे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था मुझे एक चीज बताओ। सुपर प्रॉफिट ही मेन है इसके अंदर, मेन समझने वाली बात, क्योंकि मैंने क्या बताया गुडविल की एक्चुअल में वैल्यू कैसे निकलती है कि एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो, मार्केट में जो लोग कमा रहे हैं उसके साथ, उसके एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो, जो इंडस्ट्री में कमा रहे लोग उससे ज़्यादा कितना कमा रहे हो, यानी कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब है एक्चुअल वाला, उसको माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट से, तभी समझ में आएगा ना कि आप एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो, हाँ या ना, है ना, यही है। तो बात समझो जरा ध्यान से, उसकी अगर ना कैपिटल कैपिटल के हिसाब से, पहले हम प्रॉफिट के हिसाब से बता रहे थे गुडविल के, लेकिन उसी को अगर मैं कैपिटल के हिसाब से बता दूँ कि भैया आपकी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल कितनी होनी चाहिए बिजनेस में और नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, अगर मैं ये बता दूँ तो भी मेरे पास गुडविल आ जाएगी। जैसे इसमें कैपिटल एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से पहले आप निकाल लो कैपिटल कितनी है, तो कैपिटल कितनी कैसे निकालूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे बिजनेस में 100,000 की कैपिटल है, उसका 10% 10,000 पे नॉर्मल प्रॉफिट कमाता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे ये निकालना है, अगर मुझे 100,000 रुपये गिवन ना हो, मुझे नहीं पता कैपिटल कितनी है, मुझे ये पता है कि 10,000 पे कमाता हूँ 10% के हिसाब से, तो क्या मैं कैपिटल की वैल्यू निकाल नहीं सकता, निकाल सकता हूँ ना, कैसे, ये 100 को ऊपर ले जाओ और 10 नीचे आ गया, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे आ गया, 100 ऊपर आ गया, देखो यही फॉर्मूला बन गया, सिंपल सिंपल, कुछ नहीं करना आपने, चीज़ों को ऐसे समझा करो कि भाई आप कैपिटल को मल्टीप्लाई करते हो नॉर्मल रेट से, तो एक्ट आता है जो नॉर्मल प्रॉफिट था, अगर मैं उसी को यहाँ लिख दूँ और इसको इसको यहाँ मान लो, तो उल्टा नहीं करना पड़ेगा, यानी कि कैपिटल निकालने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड कर देना होता है, उल्टा कर देना होता है, तो कैपिटल कितनी आ जाएगी, आ जाएगी कैपिटल। अब आप कहोगे ये तो नॉर्मल प्रॉफिट, थोड़ी ये तो एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, यानी कि एवरेज प्रॉफिट की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में आपको पता है सुपर प्रॉफिट इंक्लूड होता है, आपको गुडविल निकालना है ना, आपको ये निकालना है सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो वो उसके हिसाब से कैपिटल कितनी है बिजनेस में, वो उसके हिसाब से पहले इसके हिसाब से कैपिटल निकालना चाह रहे हो कि भाई जो एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं जिसमें गुडविल इंक्लूड है, जिसमें सुपर प्रॉफिट इंक्लूड है, वही तो गुडविल है सुपर प्रॉफिट, उसके हिसाब से कैपिटल पहले कितनी है बिजनेस में, जो आप सुपर प्रॉफिट निकाल रहे थे वो कैसे निकाल रहे थे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉन प्रॉफिट, बट इसी को मैं कैपिटल वैल्यू अब बोल दूंगा बिजनेस में, इसको क्या बोल दूंगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, मतलब अब मैं कैपिटल के हिसाब से देखूंगा बिजनेस में गुडविल कितनी, इसको कैपिटलाइज वैल्यू निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कैपिटल वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। ऐसे ही निकलती है कि भाई अगर मार्केट में 10% है, लोग कमा रहे थे मान लो 100,000 की कैपिटल लगा के, 100,000 की कैपिटल लगा के 10% कमा रहे, लेकिन आपने 100,000 की कैपिटल लगा के 10% ही कमा रहे हो, लेकिन 10,000 पे आ रहे हैं, बट देखो मेरे पास ध्यान से बता, जो भी गुडविल होती है वो अल्टीमेटली एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्लस होता है कैपिटल में ही, तो इससे गुडविल से क्या होता है कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो कैपिटल होगी इसके अंदर गुडविल इंक्लूड होगी। अब अगर मैं माइनस कर दूँ जो नेट एसेट्स है, यानी कि जो आपके बिजनेस में एक्चुअल में कैपिटल कितनी है, नेट एसेट का भी पीछे फॉर्मूला बताया सुपर प्रॉफिट में, वो क्या है, यही वाला ऑल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, जिसमें यही चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। तो अगर मैं वो बता दूं कि एक्चुअल एसेट एक्चुअल कैपिटल आपकी कितनी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो कैपिटल ज़्यादा हो गई वो गुडविल की वजह से हुई। इसको थोड़ा ऐसे समझते देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल आपने 100,000 रुपये ठीक है लगाया, उसके हिसाब से 10% कमाना था, तो कितना कमाना था 10,000, ठीक है, लेकिन फिर आप कमा रहे हो 15,000 रुपये, तो इसका मतलब आपके बिजनेस में क्या कैपिटल 100,000 रुपये की होगी, आपके बिजनेस में वैसे 100,000 की कैपिटल है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इसका मतलब आपको 10,000 रुपये कमाने थे लेकिन आप कमा रहे 15,000 रुपये। तो मैंने देखा कि 15,000 के हिसाब से आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, उसे क्या बोलेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो वो कैसे निकाला हमने,
10% ही आपको क्योंकि कमाना था, लेकिन कमा रहे हो 15,000 रुपये, तो 10% के हिसाब से कितनी कैपिटल होगी? तो ऑब्वियसली बात है 1.5 लाख रुपये होगी, डिवाइड कर देंगे 10% से, तो कितनी हो जाएगी? 1.5 लाख रुपये। यानी कि एक्चुअल में आपकी बिजनेस में 1 लाख की कैपिटल है, लेकिन हमने चेक किया एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से वो 1.5 लाख बैठ रही है। इसका मतलब कोई गुडविल है आपका भैया, कोई अदृश्य फोर्स है जिसकी वजह से आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए की एक्चुअल में है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालो तो 1.5 लाख की बैठ रही है। इसका मतलब 50,000 रुपये आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो भैया, क्योंकि वो कैपिटल में ही प्लस होते हैं जो भी आप कमाते हो। इसका मतलब ऐसे निकालते, तो इसमें वो सामने कैपिटल के हिसाब से गुडविल बता दें आया। देखो 50,000 रुपये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 50,000 रुपये आना था, ये सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालना था, ये भी सुपर प्रॉफिट ही है, बस ये कैपिटल के हिसाब से निकाल लिया कि भाई एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कितनी कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन है कितनी है वो नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से देख लिया, मतलब है कितनी और होनी कितनी चाहिए। है इतनी आपकी कैपिटल 1 लाख, 1 लाख के हिसाब से 10,000 रुपये कमाने चाहिए थे आपको, उसे नॉन प्रॉफिट बोल रहे थे, वो नेट एसेट्स है, लेकिन आप कमा रहे हो 15,000 रुपये, तो 15,000 के हिसाब से कैपिटल कितनी है आपकी बिजनेस, उसे बोला कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिजनेस, वो उसमें से अगर मैं नेट एसेट माइनस कर दे तो आपकी पीछा आपकी गुडविल आ गई। समझ रहे हो बात को? तो है सुपर प्रॉफिट, देखो एक तरह का वही तरीका लग रहा है, बस कैपिटल के हिसाब से। तो अगर बात करूँ अब ये सुपर प्रॉफिट, दूसरा फॉर्मूला भी देखो साथ साथ संभाल लो, कुछ नहीं है उसमें भी, दूसरा फॉर्मूला भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि दोनों के वैल्यू एक ही निकलेगी, को अलग अलग निकल नहीं सकते, बस मेथड अलग अलग है। इसका फॉर्मूला क्या होगा मुझे एक चीज बताना, मैंने क्या होता गुडविल की वैल्यू कैसे निकाले थे, एक्चुअल में सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकाल लो। पहले मेरे सामने ये दो चीज़ें थी, मैंने इन दोनों को माइनस करके कैपिटल निकाली। अगर मेरे पास सीधा डायरेक्ट ये गिवन हो तो क्या करूँगा? सिंपल सी बात है, आप सीधा क्या करोगे? आप सिंपल उसको कैपिटल के फॉर्म में निकाल लोगे, यानी कि जो पहले आप माइनस करके निकालते हैं माइनस नहीं करना पड़ेगा। अब आपके सिंपल डायरेक्ट आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करोगे, सिंपल। तो गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि आपको पता है कि भाई सुपर प्रॉफिट से ही आप निकाल रहे थे गुडविल, बट सुपर प्रॉफिट आपके सामने गिवन नहीं था तो आप इसमें से इसको माइनस कर रहे थे। लेकिन अगर अपना एवरेज प्रॉफिट नहीं हो, सीधा सुपर प्रॉफिट ही हो जो आपको निकालना था, वही उसके हिसाब से कैपिटल निकालने से सीधा मैं डिवाइड कर दूंगा 10% से। वही एग्जांपल देखो दोबारा से कि 1 लाख 10% के हिसाब से आपको 10,000 रुपये बैठनी चाहिए थी कैपिटल, लेकिन आप कमा रहे हो 15,000 रुपये, उसके हिसाब से मैंने देखा आपके बिजनेस में कैपिटल है इसका मतलब 1.5 लाख, तो इसका मतलब 50,000 गुडविल है। लेकिन अगर मैंने सीधा कहा, मैंने कहा कि आप डायरेक्ट ही मैंने कह दिया कि आप 5,000 रुपये ही एक्स्ट्रा कमा रहे हो, मैंने पहले ही कह दिया कि आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हो, अब मुझे बताओ गुडविल कैसे निकालेंगे? सर अगर 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हो तो उसके हिसाब से आप देख लो कि कितनी कैपिटल होनी चाहिए। जैसे आप अभी निकाल रहे थे 50,000 रुपये कैपिटल आपकी एक्स्ट्रा थी, इसका मतलब 50,000 की गुडविल है। तो अगर आपके 5,000 रुपये ही एक्स्ट्रा कमा रहे हो, पहले ही पता चल गया इन दोनों को माइनस करने का जो आप निकालना था, तो सीधा इसको 10% डिवाइड कर दो, वही 50,000 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब 50,000 की एक्स्ट्रा जो सुपर प्रॉफिट एक्स्ट्रा कैपिटल आप निकालने वाले थे वो डायरेक्ट निकल जाएगी, डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर दो सीधा। अब आप सोच रहे हो कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कहाँ गया? देखो इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं लेना, इसमें क्या करना है जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट, बस इसमें कैपिटल देखनी है और कुछ नहीं है। आपके सामने नंबर ऑफ ईयर परचेज आप देख भी सकते हो कि 5,000 रुपये का सुपर प्रॉफिट है, लेकिन गुडविल कितनी आ रही है? 50,000 की, यानी कि 10 साल का गुडविल आ रही है ना, इसका मतलब आप देख भी सकते हो 10 साल मान लो नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज देखना, इसमें देखते हैं कि कैपिटल आपके बिजनेस पे एक्चुअल में जो सुपर प्रॉफिट के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, तो इसमें कैपिटल के हिसाब से बताते हैं कि कितनी बिजनेस में कैपिटल आपको रखनी पड़ेगी अगर आप वो गुडविल कमाना, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाहते हो। ये है इसका मतलब, नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं है इसका मतलब कि मुझे 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा कैपिटल कमानी होगी, रखनी होगी बिजनेस में 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा कैपिटल, तब मैं देखो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा पाऊँगा, सुपर प्रॉफिट कमा पाऊँगा, तभी गुडविल आ पाएगी। ये है इसका मतलब कि मुझे
50,000 रुपये की एक्स्ट्रा कैपिटल बिजनेस में रखनी होगी तभी, क्योंकि 1.5 लाख बैठेगी कैपिटल, तभी मैं 15,000 रुपये कमा पाऊंगा, ज़्यादा कमा पाऊंगा, वरना नहीं कमा सकता। ये है इसका। चलिए अब एक आधा क्वेश्चन करते हैं और सब खत्म करते हैं इसे। देखो अब इलस्ट्रेशन 17 आप देखो पहले बुक में, इलस्ट्रेशन 17 देखो क्या लिखा हुआ है। एक फॉर्म ने 60,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एसेट फर्म के साथ 20,000 रुपये गुडविल की वैल्यू नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। लायबिलिटी 240,000 की है, गुडविल निकालना है एवरेज और सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, एवरेज प्रॉफिट तो निकाल सकते हैं। पहले आप देख लो कि फर्म देखो 60,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं, वही एवरेज प्रॉफिट है, वही मानना पड़ेगा कि जितना आप कमा रहे हैं वही एवरेज प्रॉफिट होता है। तो एवरेज प्रॉफिट तो मुझे यही गिवन है 60,000 रुपये, ठीक है। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना नहीं है लेकिन आप, क्योंकि कोई सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं कर रहे। इसमें क्या करना है, आप ये निकालो कि मेरे बिजनेस में नेट एसेट कितने हैं, यानी कि कैपिटल है कितने। तो नेट एसेट कैसे निकालेगा, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके। तो आप नेट एसेट निकालिए, ऑल एसेट्स जिसमें गुडविल वगैरह विक पी जैसे नॉन ट्रेडिशन नहीं होता, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ऐसे निकलती है। तो देखो एसेट कितने हैं, 7,20,000 माइनस कर देंगे 2,04,000 की आउटसाइड लायबिलिटी है। तो इसका मतलब आपके बिजनेस में कैपिटल आ कितने गई, कितने आ गई, 4,80,000 रुपये। अब आप देख लो कि 60,000 के हिसाब से आपके बिजनेस में कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ये देखना है, तभी तो गुडविल निकलेगा। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल लो, कि जो आप कमा रहे हो उसके हिसाब से उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से कितनी कैपिटल बैठ रही है, लेकिन आपके बिजनेस में है कितनी कैपिटल, नेट एसेट कितने, वो आप देख लो। तो आपको समझ में आ जाएगा गुडविल है या नहीं है, ठीक है। आपके नेट एसेट के हिसाब से गुडविल आप देख लो, उसके हिसाब से देखो। तो देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिजनेस में कितनी आ रही है, अगर आप देखोगे तो 60,000 आप कमा रहे हो, तो 60,000 के हिसाब से आपकी, अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूँ, 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि है 10% है, और नेट एसेट 4,80,000 रुपये है। यानी कि वैसे अगर आप देखोगे बिजनेस में एसेट में से लायबिलिटी बना करके, तो 4,80,000 रुपये आपके आ रहे हैं कैपिटल, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल देखो तो कितने आने चाहिए, 6,00,000 रुपये। यानी कि आपके वैसे 4,80,000 रुपये एसेट में से लायबिलिटी बना करके आ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से देखूँ तो भाई साहब आपकी तो वही बहुत तगड़ी आ रही है, आपकी तो 6,00,000 रुपये आपकी कैपिटल बैठ रही है। तो इसका मतलब 1,20,000 रुपये की एक्स्ट्रा कैपिटल आपके बिजनेस, आपको पता नहीं चल रहा लेकिन है, क्योंकि वो अदृश्य है, आपके वैसे संबंध नहीं आ रहा एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके, लेकिन अदृश्य कैपिटल है और वही आपकी गुडविल है। इसका मतलब 1,20,000 रुपये की एक्स्ट्रा कैपिटल आपको बिजनेस में रखनी होगी अगर आप ये 60,000 रुपये कमाना चाहते हो। अगर आप कमाना चाहते हो ना एक्स्ट्रा प्रॉफिट, 60,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है, 60,000 में से आप देखो नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 4,80,000 का 10%। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, कैपिटल का 10%, कैपिटल का नॉर्मल रेट, यानी कि 12,000 रुपये अगर आप कमाना चाहते हो एक्स्ट्रा, क्योंकि 1,20,000 का 10% कितना होता है, 12,000। तो 12,000 में अगर आप सुपर प्रॉफिट कमाना चाहते हो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आपको बिजनेस में 1,20,000 की कैपिटल रखनी होगी एक्स्ट्रा, तब जाके कमा सकते हो, ठीक है। और इसको सुपर प्रॉफिट के हिसाब से करना चाहो तो कैसे कर सकता हूँ, दूसरा मेथड भी समझाते हैं साथ में। अब आप देखोगे दोनों मेथड से एक आंसर निकलता है। सुपर प्रॉफिट जैसे मैंने बताया कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी एवरेज प्रॉफिट 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये नेट एसेट में से नेट एसेट का 10%, यानी कि 48 हो, तो 12,000 रुपये आ गए। यानी कि 12,000 रुपये एक्स्ट्रा कैपिटल, अगर आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो कितनी कैपिटल होनी चाहिए, 12,000 को डिवाइड कर दो 10% से, तो 1,20,000 रुपये, देखो वही आंसर आएगा। क्योंकि ये भी सुपर प्रॉफिट ही एक तरह का आप निकाल रहे हो, बस आप माइनस करके निकाल रहे हो इसको, इसमें से इसकी कैपिटल आपने बता दी और इसकी भी कैपिटल बता दी, और मैंने सीधे डायरेक्ट बता दिया इसमें सुपर प्रॉफिट 12,000 रुपये, तब भी आंसर वही 1,20,000 रुपये आएगा, समझ गए। तो चलिए अब ख़त्म करते हैं। तो मैंने लगभग आपके लगभग सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर दिया, अब आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, मैंने सारे क्वेश्चन आपको कवर कर दिए। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और फैला दीजिए उस वीडियो को जिन लोगों को अच्छे समझ में नहीं आता है, मुझे दीजिए ज़्यादा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।